नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राइडर्स पिज्जा लव इन एवरी बाइट, सस्ता और स्वादिष्ट। राइडर्स पिज्जा पर आपको मिलेगी वेजिटेरियन पिज्जा की 15 से ज्यादा वेराइटियाँ, जैसे मार्गरीटा, क्रिस्पी वेज, वेजिटेरियन बाइट, मस्ती टाइम, ग्रीन हाउस, हर्ब एंड स्मोक वेजी, पनीर पैराडाइज, चिल्ली पनीर, अमेरिकन हिट और राइडर्स पिज्जा का स्पेशल राइडर्स चॉइस, और साथ ही वेज बर्गर, शेक, कोल्ड ड्रिंक के लिए आपकी चॉइस के पैक, जैसे आलू टिक्की कॉम्बो, कपल कॉम्बो, मिनी पिज्जा मील, सुपर वेजी बर्गर मील, मिनिया कॉम्बो और फैमिली कॉम्बो। आज ही ट्राई करें राइडर्स पिज्जा, दिल्ली सहारनपुर हाईवे निकट एल्पाइन कॉलेज, थाना भवन, जनपद शामली। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। अभी ऑर्डर करें अपना पसंदीदा पैक 9058887004, 9068526004। शामली के थाना भवन में एक ही परिवार में रहस्यमय तरीके से दो मासूम बच्चों की मौत से मातम छा गया। दरअसल मामला शामली के बहसान इस्लामपुर गांव का है, जहां रहस्यमय तरीके से दो बच्चों की मौत हो गई। मां और 9 महीने की बच्ची की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पड़ोसियों की माने तो घर में कोई बीमारी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। शनिवार को कामिल की 4 वर्षीय पुत्री सिद्रा ने सुबह के समय नाश्ता किया तो सिद्रा को उल्टी और दस्त आने शुरू हो गए। आनंद फानंद में बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को अचानक कामिल के 2 वर्षीय पुत्र हुसैन की आंख पलट गई। तभी मोटरसाइकिल से कस्बे में डॉक्टर को दिखाया गया। बच्चे को शाम में डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कहा गया तो बच्चे को मुजफ्फरनगर में गिरीश डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। वहाँ से बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए बेगराजपुर मेडिकल रेफर कर दिया गया। हालत नाजुक देखते हुए बच्चे को वहाँ से भी मेरठ रेफर कर दिया गया और रास्ते में दोराला के पास बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। बच्चे की मृत्यु की सूचना पर घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कामिल की पत्नी शबनम है 9 माह की बच्ची की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।